अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम और एहसान के साथ मैं हूँ आपका दोस्त बलोच। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज असद बलोच विलास। उम्मीद करता हूँ जी डेली की तरह सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, मजे में होंगे। आज की वीडियो का करते हैं जी आगाज़। और अल्हम्दुलिल्लाह शादी जो है वो तो सही तरीके से हो गई है जी, और हम लोग रात को ही वापस आ गए थे। अभी आपको चेक करवाते हैं कि आज का क्या सीन है, क्या मसरूफियत है, क्या काम वाम चल रहा है। ये जो ऊपर वाला एकड़ है इसका तकरीबन जो है कितने परसेंट, ऑलमोस्ट 80% जो है वो मट्टी यहाँ से उठवा ली गई है। ये पूरा एरिया जो है यहाँ से मट्टी उठ गई है, ठीक है। वो लास्ट कोना जो है उधर थोड़ी सी रह गई, बाकी ये पूरे से उठ गई। और इस ये जो कोना है अभी इधर स्टार्ट है, और उम्मीद है कि 2 घंटे तक 3 घंटे तक ये वाला एरिया जो है ये भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके अलावा आपको चेक करवाते हैं जी जाके नीचे वाला जो एकड़ है उसमें क्या सूरत हाल है चारे की, क्योंकि एक एकड़ जो था यहाँ पर हम लोगों ने चारा काश्त किया हुआ था, तो ये तो मट्टी इधर उठवा ली, ये वैसे ज़ाया हो गया। नीचे वाला जो एकड़ था उसमें भी चारा जो था वो इतना ख़ास जिस तरह होना चाहिए था, जैसे हमें उम्मीद थी उस हिसाब से नहीं हुआ था। पता नहीं क्या वजह थी, बारिशें ज़्यादा लगी नहीं इस वजह से या क्या है, लेकिन फिर भी जो सूरत हाल इसकी लास्ट टाइम थी बरसन के टाइम पे उससे जो है ये काफ़ी बेहतर हुआ। वो उस तरफ आप देख रहे हैं माशाल्लाह बेहतर हो गया। तो अभी जो नीचे से जो है दोबारा भी इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है। बाकी आपको चल के ये पहले दिखाते हैं कि ये कितना टाइम है, और इनसे डिस्कस भी करते हैं कि और कितना टाइम ये लेंगे मट्टी उठाने में। बाकी जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें, और अगर हम मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाजमी फॉलो कर लें। वीडियो को कंप्लीट देखना है, वीडियो को लाइक शेयर जो है वो आपने लाजमी कर लें। ये जी लगे हुए हैं, अभी ये कोना ही रह गया, बाकी तो सारी मट्टी जो है वो निकल गई है तकरीबन। ये वाला जो कोना है ये उधर भी तकरीबन आधे से ज़्यादा मट्टी निकल गई है, इससे पीछे पीछे जो है ये सारी निकल गई है। ये कोना जो है आधा रह गया और ये थोड़ी सी जगह रह गई। अभी ट्रैक्टर वाले जो हैं वो तो लगे हुए हैं माशाल्लाह, और उम्मीद तो यही है कि 2-3 घंटे में 4 घंटे में जो है ये कंप्लीट कर लेंगे। ये इस तरह रोल करके आते हैं मट्टी को, आपको चेक करवाते हैं। ये देखें फ्रंट ब्लेड से ये इस तरह रोल करके आएंगे और ट्रैक्टर जो है वो इसके अंदर ही लेके जाएंगे। ये ऐसे ये इस तरह फिर दोबारा वापस जाएंगे और ऊपर ऊपर से जो है मट्टी उठा लेंगे, और मट्टी जब ऊपर से पूरी उठ जाएगा फिर इसके पीछे जो है वो हल पड़े हुए हैं, हल जो है वो लगा देंगे, मट्टी को फिर नरम करेंगे, फिर इसी तरह जो है ये सर्कल जो है ये चलता रहेगा। ये देखिए इंसान बन जा, शर्ट पहन के अड्डे पे चलें, अड्डे पे चलें, चल शर्ट पहन के गाड़ी को पंचर लगवाने चलें। व्यूअर हमारी गाड़ी जो है वो टायर उसका एक हवा निकल गया अभी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास जो था पंप तो पड़ा था गाड़ी में, अभी उसमें हवा डाल रहे हैं, ऑलमोस्ट 20 पाउंड तो होने वाली है, तो इसको कुछ करते हैं कम्प्लीट, उसके बाद लेके चलते हैं अड्डे पे। दोनों ने कमीज़ें उतारे हुए हैं और माशाल्लाह मौज मस्ती। जी क्या है खेल रहे हो, जाओ अपनी शर्ट लेके आओ, पहन के आओ, चलें अड्डे पे चलें, गाड़ी में जल्दी करो। तो एक तो आल्टो में ये इशू है कि इसमें जो है स्पेयर टायर नहीं रखा होता, ये बड़ी मुसीबत है हमारे लिए, बल्कि सब के लिए। अभी इसको करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी जो है वो ऊपर तक आ गया है टायर, 20 पाउंड तो हो गई है, तो इसमें मैं तकरीबन 30 पाउंड प्लस करूँगा ताकि अड्डे तक जो है ये ईजिली चले गया। बाकी जाके देखते हैं कि इसको क्या मसला आ गया, आप लोगों को भी दिखाते हैं। मोहम्मद आपने आना है, चलो शर्ट पहनो जूता पहनो, आना है तो जल्दी करो। रिवर्स टायर जो है अभी खोल रहा है, अभी इसको चेक करवाते हैं बाद में, खोलने के बाद क्या इसको इशू आ गया। लेकिन मैंने घर से जो है हवा डाली है इसमें 35 के अराउंड थी पॉइंट, और अड्डे तक आने में जो है मुझे तो नहीं फील हुआ कि इसमें हवा जो है वो कम हुई हो। तो बाकी अभी खोल के इसको चेक करते हैं कि क्या मसला आ गया इसको। ये टायर जो थे ये भाई ने डलवा रहे थे जाने से कुछ दिन पहले, और रिम वगैरह भी इसके अलाए उन्होंने ही करवाए थे। सर ये टायर तो हो गया ओके, और इसमें ये नली जो होती है जहाँ से हवा वगैरह डालते हैं ये ख़राब हो गई थी, तो अभी ये डाली है ये न्यू, टायर खोल के ये न्यू डलवा दिया। यहाँ से लीक कर रही थी यहाँ से ऊपर, एक तो ये बिल्कुल जिधर टायर के साथ ये रिम के साथ चिपकी होती है उस जगह से नहीं,
बल्कि ये बिल्कुल इस जगह से जहाँ से उंगली मैं आपको दिखा रहा हूँ। मोहम्मद ठीक हो गया अभी? जी जी हाँ, अभी मोहम्मद का काम जो है वो शुरू हो गया जी। मोहम्मद आपको करके दिखाएगा कि किस तरह करते हैं। तो ख़राब है तो खोलना, क्यों नहीं खोलना। अच्छा विवर, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि ये वाला जो टाइप था ये भी हवा बहुत ज़्यादा कम कर जाता है। इसमें कभी तो 5 पाउंड होती है, कभी 10 पाउंड होती है। तो अभी इसको भी चेक करवाते हैं कि इसका क्या इशू है, फिर फाइनली जो है आप लोगों को बताएंगे। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, उसको फाइनल जो है वो टाइट कर रहे हैं भाई। दूसरे को मोहम्मद स्टार्ट कर रहे हैं। यल्ला मोहम्मद खोलो, खोलो भाई खोलो, हाँ ज़ोर लगा के, ज़ोर लगा के खोलो 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 खोलो। वेरी गुड वेरी गुड, नीचे खुलेगा नीचे। व्यूअर्स, मोहम्मद को ना ये वाली जो है छलियाँ ये पसंद है। आपको पसंद है? कितनी लेनी है? 5 लेनी है। बच्चे को कुछ भी पूछो ना वो कहता है 5 ही चीज़ चाहिए, 5। बस उसको पता है कि 5 जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी भाई को ऑर्डर किया है 4 छलियों का। तो ये केरी के अंदर ना इनको भूनते हैं। तो इनका मैंने पूरा प्रोसेस देखा था कि जिस तरह ये केरी को जहाँ गर्म करते हैं, ये जो भी इनका प्रोसेस होता है बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है। और माशाल्लाह इसमें जो बनी होती है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है, टेस्टी होती है। ये इस तरह इनको छील लेंगे, सही है, और मसाला लगा के, ये इसके अंदर मसाला है लेमन और उसके अलावा जो है नमक होता है, ये लगा के तो फिर जो है सर्व करते हैं। किधर बैठना है आपने? क्यों आपकी गोदी में? मेरी गोदी में बैठ के क्या करोगे आप जी? देखूंगा और क्या करूंगा? आप क्या देखोगे? आपकी गर्दन में खाऊंगा। अच्छा गर्दन खाओगे मेरी जी। अभी भाई साहब ने 2 जो है वो निकाल ली है, तो 2 और जो है वो निकालेंगे। ये इनका प्रोसेस है, ये इस तरह सफ़ा करके ये ऊपर से कवर जो है वो उतार देंगे। ये इधर रख लिया जी। अच्छा जी अभी एक और हमारी रहती है, 3 ऑलरेडी हो गई। साहब को मैं लेके आया हूँ जी अभी इस एकड़ में जिधर से मिट्टी हम लोग उठवा रहे हैं, और माशाल्लाह प्लांटेशन कर रहे हैं जी। प्लांट लगा दिए? अभी क्या कर रहे हो? ऊंचा बोलो ना, आवाज़ तो नहीं आ रही। नहीं पानी लगा रहे हो? अच्छा ये कब बड़ा होगा जी? इधर आओ, आपका इंटरव्यू करते हैं, आप बताओ। अच्छा मोहम्मद साहब, ये आपने क्या किया है? इधर देख के बताओ क्या किया आपने जी? ऊंचा तो बोलो, इधर आवाज़ ही नहीं आती। पानी फेंका ऊपर? अच्छा फिर क्या होगा जी? बड़ा हो जाएगा फिर खाऊंगा। इसको खाओगे पत्ते को? और जी अच्छा काट के गायों को डालोगे? हाँ सही, मुझे तो पता भी नहीं था। अच्छा अच्छा इतना ज़्यादा पानी लगा रहे हो इसको? ज़्यादा पानी क्यों लगा रहे हो? अच्छा फिर पानी ख़त्म हो जाता है इसलिए ज़्यादा ज़्यादा लगा रहे हो? सही है ठीक है, ठंडा पानी है व्यूअर, ये सारा इधर जनाब अभी ताज़ा कर रहा है। अभी बस करो और नहीं लगाओ फिर वो ख़राब हो जाएगा। बस करो, ठंडा पानी नहीं ज़ाया करो, बस करो। जब एक दफ़ा पापा मना कर देते हैं फिर कहना। अच्छा एक लास्ट दफ़ा, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह क्यारा जो है वो तकरीबन फाइनल हो गया जी। अभी ये वाली जो थोड़ी सी जगह रह गई है, तकरीबन 2-4 ट्रालियाँ जो है इधर से निकलेंगी। उसके बाद ब्लेड जो है वो ट्रैक्टर लेने के लिए चला गया, तो इसके ऊपर लगाएंगे जी हल। और हल के बाद जो है थोड़ा थोड़ा जो ऊंची जगह है वहाँ से मिट्टी, जैसे ये ऊंची जगह है, ये वाला एरिया जो है वो थोड़ा नीचा पड़ा, तो इसको जो है अपने तौर पे ये ड्राइवर जो हैं ये इसको करेंगे लेवल।